बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी आईसी के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं। इस आईसी का यूज़ चाहे बॉश की ईसीएम के अंदर हो, डेल्फी की ईसीएम के अंदर, कॉन्टिनेंटल ईसीएम के अंदर, ज़्यादातर ईसीएम के अंदर ये आईसी देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी आईसी है आइए बताते हैं आपको। देखिए ये आईसी है, इसका ये है TLE 7209, राइट। ठीक है जी, इस आईसी के चारों कॉर्नर की पिंस ग्राउंड रहती हैं। किसी भी ईसीएम के अंदर ये आईसी लगी हो, उन सब में कॉर्नर की चारों पिंस ग्राउंड रहती हैं। ठीक है जी, और इस वाली लाइन में भी 12 वोल्ट की ज़रूरत होगी, प्लस 12 वोल्ट की, और इस साइड में भी 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी कि यूँ कह लें, पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 10 के बीच की पिंस होती हैं, वहाँ पर भी 12 वोल्ट की ज़रूरत है, और पिन नंबर 11 से 20 के बीच में भी 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। दोनों साइड में 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत इस आईसी को होती है। दूसरे बोर्ड में देखते हैं कि आईसी कैसी लगी है, कहाँ लगी है। ये ईसीएम रहा डस्टर का, और इसमें देखें तो ये आईसी लगी हुई है। यहाँ पर पिन नंबर 1 ये हो गई, और इधर भी कैपेसिटर है नॉन पोलराइज्ड, और आपको इधर भी मिलेगा। ये इस बात की तरफ फिर इशारा है कि दोनों साइड में पॉजिटिव सप्लाई होनी चाहिए, और इसकी भी चारों पिंस ग्राउंड ही मिलेंगे। तीसरा ईसीएम हम उठाते हैं, ये टोयोटा का ईटीएस का है ये। अगर इस वाले बोर्ड में देखें तो यहाँ पर भी आपको ये आईसी देखने को मिलेगी 7209, और इसमें भी एक सेट में 12 वोल्ट, और इधर भी 12 वोल्ट, और कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो यहाँ पर 12 वोल्ट हर हाल में चाहिए, राइट। अब सवाल ये होता है कि ये आईसी क्या वर्क करती है, क्यों लगी है यहाँ पर। देखिए जनाब, कि थ्रोटल में मोटर के लिए इस्तेमाल में लगी गई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कई मोटर्स लगी होती हैं, तो किसी भी मोटर को चलाने के लिए गाड़ी के अंदर इसका इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किसी भी स्टेपर मोटर को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल लाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी होती है, तो उसके अंदर मोटर लगी होती है जो बटरफ्लाई को खोलने और बंद करने का काम करती है, तो ये काम कर सकती है ऐसी। इसके अलावा और भी कई प्लेसेस हैं जहां पर मोटर लगी होती, तो वहां पर भी ये काम कर सकती है। समय हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है, ये स्कीम 31 तक की है। इसमें जो 31 मार्च से पहले पहले एडमिशन ले लेते हैं भाई, और ये तो उन भाइयों को ईसीएम के 40 ईसीएम के पेनॉट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 40 ईसीएम की फाइल्स भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान रहे, ये स्कीम 31 मार्च तक की है, उसके बाद ये लागू नहीं होगी। ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हैं 7209 आईसी की, इसकी हम डायग्राम कंप्लीट डिटेल एक या दो दिन बाद आपके सामने इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इस आईसी की कंप्लीट डिटेल विद डायग्राम के सहित
हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि ये आईसी को कहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत है, कहाँ से आउटपुट होगा, कहाँ इनेबल सिग्नल होगा, किस प्रोटोकॉल पर काम कर रही है। तो ये सारा सब कुछ हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जल्द ही इस अगली आने वाली वीडियो में ये बात हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।